बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख दर्द तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। आप सबको कहते हैं खुश आमदीद, और दिन का आगाज़ हो चुका है। मिस्त्री मजदूर भाई आ गए हैं, रंग वाले भाई भी आ गए हैं। उनका शायद आज का दिन लगे या कल का दिन ही लगे, ये अब मुझे पता नहीं है। और बिजली वाले भाइयों ने कहा है कि आज हम आएंगे ज़्यादा लेबर के साथ। उम्मीद है कि अल्लाह के खैर तो आज काफ़ी सारा काम निबट जाएगा। तो देखते हैं क्या कुछ आज के दिन होता है, क्या रूटीन होती है, क्या काम होता है, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। इस विंडो से व्यू देखे माशाल्लाह, का ज़्यादा काम बल्कि सारा ही काम ख़त्म हो चुका है। थोड़ा बहुत रहता है, गेट रहता है और छोटी मोटी मरम्मतें लगाने वाली रहती हैं। तो अब जो कलर्स हैं मरम्मतों के लिए, मतलब सबसे आखिर में ज़रूरत पड़ेगी, वो हम निकाल के महफूज कर रहे हैं इन छोटी गैलन्स में। ये सारा कलर, जिस जिस कमरे का जो जो कलर था, जिस जिस दीवार का, वो हम महफूज करके रखने वाले हैं ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो। इधर से ही लेके इस्तेमाल कर लें टच मरम्मतों के लिए। बाकी जो खाली बाल्टियां हैं उनको उठा देंगे, इतने रख दे जाओ ना, फिर चौके तेरे अंदर रख लेना। सारी बाल्टियां बांटी जा चुकी हैं। ये दो बड़ी बाल्टियाँ भाई ने, रंग वाले ने, अलग करके रखी हैं। ये शाहिद भाई के लिए उन्होंने कहा था कि भाई बाल्टियाँ मुझे देना। भाई शाहिद है, हाँ बाल्टियाँ, हाँ जी ये तो आ रही वीरे, अचार पाने वाली नहीं, ये स्मेल को नहीं जाती। हाँ हाँ, कपड़े धोने वास्ते तो बंदा चलो इस्तेमाल कर लेना, तो अचार वाला काम जेड़ा ना, या कोई भी राशन भी ना रखी, इन्हों की स्मेल को नहीं जाती। होर सेहत तबीयत, मैं सुनिया सी ढेड़ च पीड़, असल च खान पीन का माशाल्लाह वादा घटा हो गया हूँ। वेल है फुफड़ तेरा की पैंता। बिजली वाले भाई आज इस कमरे को भी मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसकी फीलिंग भाई शाहिद करके हैं और आप इसकी हो रही है सफाई। भाई ने स्पेशल मुझे आवाज़ दिया है कि अली भाई आके गेस्ट रूम वाला जो वॉशरूम है वो बिल्कुल फाइनल हो गया है, तो चेक कर लें। देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि लगे हैं आसिफ भाई के हाथ और क्या गुल खिले हैं। अच्छा जी, तो ये है वॉशरूम। बिल्कुल फाइनल टच दीवारों को दे दिया है। जबरदस्त फिटफाट मॉल बन गया, मॉल बन जाता जिथे हाथ लग जाते मेरे वीर। साहब जो है बड़ा फिट माहौल है, यह फिर ज टुटन का नहीं खतरा। ठीक ठीक, चल सीटा भी पाई ला पे चंगा भला टाइम लगता है। अच्छा जी, मैं और हुमैरा गए हुए थे अभी ताहिरा के घर, वहाँ पे अभी शाम को इफ्तारी थी। तो इफ्तारी करने के बाद, नमाज़े मगरिब अदा करने के बाद, हम फौरन घर वापस आ गए, और क्योंकि घर में भाई रगड़ाई वाले लगे हुए हैं
हमने तो उनको कहा था कि आप चले जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि भाई अली ईद से पहले पहले काफ़ी काम निमट जाए तो अच्छा है। तो वो अभी तक लगे हुए हैं। सारा जो ऊपर वाला पोर्शन है सिर्फ एक कोर्ट रहता है, और वो जब ईद के बाद दोबारा मरम्मतें लगाने के बाद बोरी के साथ एक कोर्ट लगा लेंगे। उसके अलावा सारा ऊपर वाला समझ लें कि फ़ाइनल हो चुका है। फर्श लाइटिंग फाइनल हो चुकी है और आप देख सकते हैं सारी लाइटिंग चलाई हुई है। जी सीढ़ियों वाला कमरा जो है उसकी भी आज लाइटिंग मुकम्मल हो चुकी है। दिखाता हूँ अभी, ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन सीढ़ियों वाले कमरे का है, सीलिंग का, और साथ में रूफ लाइट जो भाई शहजाद लोगों ने लगाई है। रगड़ाई का एक या दो कोट रहते हैं, मुझे नहीं पता। वो संगली जो आप देख रहे हैं, ये जुमे वाले दिन छुट्टी थी तो भाई शहजाद लेके आए थे अपने कट्टे की उतार के, और उसको रस्सी से बांधा था। यहाँ पे फानूस लगेगा। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है तो व्लॉग को यहाँ पे ही एंड करते हैं, और कल एक नए व्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रब सोने दे हवाले, रब राखा, खुदा हाफिज़, फी अमान।